लेडीज एंड जेंटलमैन मंडी पहुंच चुके और मंडी के दीवाने भाई, मतलब मैं अकेला ऐसा पागल बंदा नहीं हूँ, मेरे साथ मछल भी आए हैं और मेरे साथ मछल के अलावा हम दो पागल तो हैं मंडी के, और बाकी आप पीछे आवाम चेक करें। भाई ये तो फुल इंसानों को देख के डर रहे हैं, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये बेचारे परेशान हुए हैं। ये देखें ये जो पीछे छुपा हुआ है, अबे भाई ये तो फुल हैरान हो परेशान हो रहा है, ये मैं किस दुनिया के अंदर आ गया हूँ। अच्छा ये चेक करें ट्रक के ऊपर सारे जो चढ़े हुए हैं। अच्छा ट्रक जो है मुश्किल से मेरे ख्याल में मंडी में अभी 4 से 5 उतरेंगे, ज़्यादा मिनिमम 7 उतरेंगे, लेकिन जानवर आप चेक करें बहुत सारे आने शुरू हुए हैं। अभी तो ये मंडी अभी स्टार्ट हुई है 21 मई 2023 और 5 जानवर और हैं भाई, पता चला 5 जानवर और हैं। ये देखें ये बेचारा रोता हुआ आ रहा है, मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे साथ यह क्या जुलम हो रहा है। अच्छा आम का जो है ना रश चेक करें आप। अच्छा लड़कों के लिए, लौंडों के लिए खास तौर से एक अफसोसनाक बात यह है कि मंडी काफ़ी दूर शिफ्ट कर दी है, उस जगह पर जो है कोई होगा मसला है या फिर उन्होंने ज़मीन वमीन जिनकी होगी उन्होंने वापसी ले ली है, यहाँ पर तो काफ़ी दूर है, जगह बहुत बड़ी है। मैं आपको जगह दिखा दूँ, जगह चेक करें, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना ये वो जगह है। और खुशखबरी की बात ये खुशी की बात ये होती है, खुशखबरी तो खैर खुशखबरी तो बहुत है यहाँ पे, खुशी की बात ये होती है कि ये जगह पूरी जो है ना आने वाले वक्तों में 10 से 15 दिन के बाद पूरी जगह भरी होगी। क्यों मशल इंजॉय कर रहे हो हैं, बहुत सारे जानवर देखने के लिए आए हो। अच्छा ये सब शौकीनों में से एक मेरे साथ भी जो मशल शौकीन है इस जगह पे जो खड़ा हुआ है, मशल ने मुझे बोला कि यार मुझे भी चलना है और मैं भी जाऊंगा आपके साथ मंडी देखने के लिए। जानवर इतना आया नहीं है लेकिन जानवर से ज़्यादा इंसान रोज़ाना आके विज़िट कर रहे हैं। अच्छा कुछ लोग तो भाई इतने शौकीन होते हैं, कुछ लौंडे कि उनका जो है ना रोज़मर्रा के हिसाब से ना आना जाना होता है कि यार डेली जाके देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है। चेक करें माशाल्लाह से काफ़ी हैवी जानवर है, बछड़ा है ये और ये भी फुल यंग लग रहा है। चेक करें आप और इसकी उठान चेक करें, इतरा रहा है बेचारा परेशान हो गया, इतरा क्या रहा है। अच्छा बाकी ये वाला चेक करें, चेक करें आप माशाल्लाह खूबसूरत की कोई हद नहीं, बेहद खूबसूरत। ये चेक करें अच्छा काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आते हैं, जब ये थोड़े से गंदे हुए हैं लेकिन ये अभी सफाई वगैरह होगी ना इनकी ये तो हो जाएंगे ठीक ही हो जाएंगे, इनकी खूबसूरती और निखर के आ जाएगी। ये अभी रिसेंटली बिल्कुल करंटली ट्रकों में से उतर रहे हैं और ये डायरेक्ट यहाँ पर आके खड़े हुए हैं, थोड़े से परेशान भी हैं, थके हुए भी हैं, भूखे भी होंगे। और मंडी का ओवरऑल मैं व्यू एक आपको दे दूँगा, उसके बाद जो है हम निकलने वाली करेंगे क्योंकि यार हमें ना डे लाइट के अंदर ही घर जाना है, मतलब इस ऐसा टाइम हो कि बिल्कुल जो है मगरिब ना हो, इसलिए ओवरऑल व्यू इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मंडी इतनी बड़ी है नहीं, फिर मैं जानवरों का ओवरऑल व्यू दे दूँगा। ये देखो मेरे पीछे माशाल्लाह चेक करें, ये भी अभी उतरा है, ये चेक करें माशाल्लाह की खूबसूरती। बेहद खूबसूरत और मतलब ये तो ऐसा लग रहा है पेयर है, ये तीनों जो हैं तीनों तिड़वाएँ हैं, ये जुड़वा भी नहीं है तिड़वाएँ। चेक करें आप। अच्छा ये जगह बहुत बड़ी है, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में जानवर उतरे हुए हैं, सही है। तो ये हम डायरेक्ट ट्रक के पास इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ताज़ा माल उतर रहा है, माल है लाल है ताज़ा है, वो चेक करें, चेक करें भाई। चेक करें
भाई हम भी जो है ट्रक के ऊपर चढ़ गया। एक दो तीन तीन चार जानवर और हैं। खास नज़ारा आप लोगों के लिए। चेक करें ये जानवर खुलने के लिए तैयार हो गया। चलो भाई अपनी अपनी जगह संभाल लो भाई। कोई ये बेचारे सारे जानवर जो है डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। चेक करें खुल गया गाइस, खुल गया ये। ऐसा ही है और आपको यहाँ पे ना ज्यादातर जो है लौंडे ही दिखेंगे। चेक करें सारे लौंडे आम का रश। चेक करें संडे का दिन है ना तो सब आए ना। ये जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं लड़के, मैं बता रहा हूँ ना। एक और जानवर खुलने के लिए तैयार है। जब वो जानवर को लेके जा रहे थे ना, एक व्यापारी बेचारा गिर गई है। इसकी कमीज ही फड़ गई। ये तो कमीज फटी है, बाद में कराची वालों की फाड़ेंगे। जो है ना बदला लेंगे ये कराची वालों की फाड़ के। सबर करो सिर्फ 10 दिन। 10 दिन उसके बाद रेट कहाँ चलेंगे? रेट आसमानों पे होगे, फिर कराची वालों की फटेगी। जानवर को परेशान, हैरान हो परेशान हो, बेचारा उतर भी नहीं पा रहा। भाई ये भाई बोल रहे फायदा क्या हो, भागा तो नहीं, भागा क्यों नहीं यार, भागना चाहिए ना, भागने में मजा है, भागने में मजा है। बेचारा बहुत है। बाद में मंडी वाले हमें भी, व्यापारी हम लोगों को भी तो भगाएंगे इधर से उधर इधर से उधर। भाई लड़के जो जानवर नहीं भाग रहे ना उससे पता क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं दोबारा से चढ़ा के दोबारा से उतारो, मजा नहीं आया। ये सीन चल रहा है भाई, बहुत टाइट कॉमेडी चल रही है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, हंसी आ रही है बहुत। चेक करें शौक, शौक का कोई मूल नहीं है। अच्छा इस वाले ट्रक के अंदर मेरे ख्याल में तकरीबन जो जानवर है ना वो सिब्बी नस्ल की है। सिब्बी नस्ल जो होती है ना वो ऊंची नस्ल होती है, उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब नॉर्मल जानवर से काफ़ी ज़्यादा हाइट होती है। और ये तीन चार जानवर होते हैं ना ट्रक से, वो जो है सिब्बी नस्ल के ही है भाई। चेक करें मत कानी अबे भाई मुक्का मारने के लिए तैयार है ये तो। मुझे डर लग रहा है ये मुझे ही ना भाई, डर लग रहा है मुझे। अबे घूम गया ये, अबे मुझ में ना घुस जाइए। अब घूम गया भाई, ये घूम गया। सीधा करो भाई इसका मुंह, सीधा करो भाई। डेंजर सीन चल रहा है। शोर नहीं करो भाई, शोर नहीं करो, जोर से करो। भाग गया भाई। बहुत नाजुक सूरत हाल है, ये लौंडे शोर कर करके पागल कर रहे हैं। वापसी हम जो है ट्रक पे चढ़ जाते हैं। लास्ट डाउन है ये, एक रह गया। ये भी शपाटर है भाई, ये भी लौंडे बोल रहे हैं, ये भी शपाटर है। नहीं नहीं शरीफ बच्चा है, शरीफ बच्चा है। मुँह में वरना उछल जाता अभी। आराम से उतरिएगा ये, बिल्कुल आराम से, कोई शोर तो नहीं करोगे। जिसको नहीं भी करना वो भी करेगा। अच्छा ये मौका ऐसा है ना, जो लड़का खामोश भी बैठा है ना वो खामोश भी बोल सकता, वो भी बोलेगा भगाओ जानवर को। वो कीड़ा होता है ना वो तंग करता है, सट मारता है बार बार। खुल गया भाई खुल गया।
चेक करें भाई, ये लत्ती वत्ती ना उठा दे पीछे से भाई, लत्ती वत्ती ना उठा दे ये। अबे भाई अबे संभालो इसको, अबे भाई माशाल्लाह खूबसूरत फुल भरा हुआ है। अबे लत्ती ना उठा दे ये, बड़ा ताकतवर जानवर है, एक लात पड़ गई ना मैं बेहोश हो जाऊंगा ये भाई, क्या पता, क्या पता मैं मर भी जाऊं। चेक कर, एक लात पड़ गई ना, मरूं बेहोश नहीं होऊंगा, मर जाऊंगा मैं। डर इतना, अबे क्या हो गया यार उसको, तो देखो मुझे देखो। अच्छा जानवर जो है ना, मतलब उसको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता, अगर अल्लाह ताला ने उसमें इतनी सलाहियत होती ना रखी हुई होती कि वो अपनी ताकत को पहचान ले तो भाई समझ लें तबाही मचा देता। और यही वजह है कि जानवर को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता, और इसी वजह से जो हमारी शिफ्ट हुई रहती, कभी कभी जो जानवर जो है ना बहुत ज़्यादा जब खुर्राट हो जाता है ना भाई, फिर तो जो है समझ लें हाथ से कहानी निकल जाती है। ट्रक में से सारे जानवर उतर गए, हमने आपको दिखा भी दिए लाइव, बिल्कुल सही गोल्डन आवर पर पहुँचे हम, सूरज भी ढल रहा है और टाइम भी इस तरह का ये हो रहा है कि भाई जो है आपको वाइंड अप करने का सीन है। ओवरऑल व्यू ये देखें, पीछे जो है थोड़े बहुत जानवर लगे हुए हैं, गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं। कराची की आवाम का ये होता है कि भाई असर के बाद निकलते हैं, तो कि धूप वूप से बचना है ना, मम्मी डैडी बच्चे भी होते हैं कुछ, यहाँ पर वैसी गर्मी बहुत है यार कराची में। अच्छा हमारे साथ एक अदद बच्चा आया था मशल, हम उसको देखते हैं भाई वो किधर शार्ट हो गया, वो आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, क्योंकि मैं तो ट्रक पर चढ़ा हुआ था और वो मेरे ख्याल में मुझे देख रहा था, मैं कहाँ से चढ़ूँ, तो हम ज़रा उसको तलाश करते हैं भाई। मशल थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, बहरहाल मशल मिल गया। मशल बोल रहा कहाँ चले गए थे आप, थोड़ा रोने भी लग गया था, मैंने इसको आइसक्रीम देखते गोली दे दी। इसे फ़ोन कर दिया घर पे, मैंने फ़ौरन फ़ोन किया घर पे कि भाई नहीं मेरे साथ ही है, मैंने इसको देख लिया था जब मैं ट्रक पे था ना, तो ये लेफ्ट साइड पे खड़ा हुआ था, मैंने बोला चलो सही है, फैमिली भी खड़ी है, बच्चे भी साथ हैं, लेकिन मशल साफ जो डर गया, मशल क्यों डर थे यार। मशल क्या बोले थे अंकल, अंकल बोल रहे थे छोड़ के चलेगा वहाँ पे, अरे भाई मैं छोड़ के जाऊँगा आपको हैं, अरे मसला नहीं है मशल, आपको कहीं से ढूंढ के निकल लेते मैं, आ जाओ। बच्चे जो होते हैं थोड़े सेंसिटिव होते हैं, डर गए, मैंने खैर गोली फिट कर दी मशल को। अब जो है अपने ब्लॉग को आगे लेके चलते हैं, और भाई ट्रक जो है ना, और ट्रक से जानवर उतर रहे हैं कंटिन्यूसली, आ रहे हैं ट्रक और उतर रहे हैं भाई। मगरिब का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट, और ट्रक उतरते उतरते मुझे लग रहा है 11 भी बज जाएंगे, और मशल जो है थक चुका है। हमारा जो है यहाँ तक का साथ रहा, और अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में।